Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Today I am here with another part of life processes, that is nutrition in human beings. And in this portion we will discuss about accessory glands. In previous lecture we discussed about the process of digestion in animals. We included paramecium, amoeba and ruminant animals. Here in this lecture and in previous lecture we also discussed about alimentary canal of human beings. As you all know, the digestive system of human being is divisible into two, that is alimentary canal, the tract, as well as the accessory glands. In previous part we discussed about mouth cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. We also discussed about tongue and teeth. Today here in this lecture we will discuss about accessory glands. The main accessory glands are salivary glands, liver, pancreas, as well as tongue. Students, accessory glands kya hote hain? Accessory glands like salivary glands, liver, gallbladder, pancreas, ye digestive tract ke part nahi hote. Yani jo digestive tract hai, jo pura tract yani mouth se leke anus tak ka jo part hota hai उसका वो हिस्सा नहीं होते. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव एक्टिविटीज. इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है डाइजेशन में. इनके सिक्रीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव एक्टिविटीज में, पाचन एक्टिविटीज में इनका योगदान होता है. लेकिन ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनका जो हिस्सेदारी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ वो नहीं होते, उसका पार्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड देयर रोल. इन वेरी फर्स्ट स्लाइड वी विल सी अबाउट लीवर. वी विल डिस्कस अबाउट लीवर. लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. जो एक्सेसरी ग्लैंड्स में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो लीवर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का. और लीवर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 केजीज जो है वो इसका एक वेट होता है, एवरेज वेट होता है एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट में. ऑफ कोर्स दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, बट स्टिल फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज आई वांट टू शेयर दैट लीवर ऑफ मैन इज डिविजिबल इनटू फोर लोब्स. चार लोब का होता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब एज वेल एज कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. ये चार लोब का होता है. ह्यूमन में चार लोब होते हैं, लेकिन अगर आप रैबिट्स में देखें तो उसमें आपके पांच लोब होते हैं. और ये जो चार लोब होते हैं ह्यूमन बींग्स के, ये टोटल पूरा अकम्प्लिश करता है एक इंटैक्ट ऑर्गेन लीवर को. लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस विच डजेंट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, उसका कोई डाइजेस्टिव एंजाइम के फॉर्म में कोई रोल नहीं होता बाइल का. लीवर में सिंथेसाइज होता है बाइल, और ये बाइल जो है इसका एक्शन होता है फैट्स के ऊपर, और वहाँ पे वो सिर्फ इमल्सिफाई करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट लीवर सीक्रेट्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम. अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर सपोज टू नो इज दैट लीवर की एक बहुत ड्रास्टिक डिजीज भी कॉज होती है, दैट इज नोन एज जॉन्डिस. अगर लीवर का फंक्शन रिटार्डेड हो गया, किसी वजह से फंक्शन जो है वो कम हो गया, एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है विच लीड्स टू जॉन्डिस. सो हियर दिस वॉज अ वेरी स्मॉल डिस्कशन अबाउट लीवर. Coming on to the next part, of course, in you will see that liver is the largest gland and it is located above the stomach. Iska position hai stomach ke upar present hota hai, aur isi ke sath associated hota hai another accessory gland and that is gallbladder. Coming on to gallbladder, you will see this green portion, the green organ which is leaf like structure. You can see here it is a sac like structure, sorry. Ye sac like organ jo hai it is located alongside along the underside of the liver. Liver ke just niche daba hota hai ye, aur is ye na to bile synthesize karta hai na to isse koi juice secrete hota hai. It is only for the purpose to store bile.
सिर्फ ये स्टोरेज ऑर्गेन है, ये बाइल को स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे जो बाइल आता है लीवर से, ये सिस्टिक डक्ट जो है वो कंडक्ट करता है बाइल टू गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ये देखिए, ये सिस्टिक डक्ट जो है वो लीवर से आता है और वो वहाँ ये गॉल ब्लैडर में आता है और वहाँ बाइल को लेकर आता है और वहाँ पे बाइल स्टोर होता है। एंड एज पर डिमांड इट इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यू कैन सी अ कॉमन डक्ट लीवर से भी आ रहा है और ये गॉल ब्लैडर से भी आ रहा है। सी दिस कॉमन डक्ट। ओके, अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट गॉल ब्लैडर इज दैट गॉल ब्लैडर में इट्स जनरली गॉल स्टोन होते हैं, जिसको आप बिलियरी कैलकुलाई भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट और बिलीरुबिन जो बाइल में प्रेजेंट होते हैं उनके क्रिस्टलाइजेशन से ये बनता है। यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ती है, क्रिस्टलाइज होती, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज होते हैं या बिलीरुबिन बाइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, मुझे क्रिस्टलाइजेशन होता है उनका, तो गॉल में स्टोन होता है और उनका सर्जिकल रिमूवल होता है, जिसको आप कोलेसिस्टोकेमी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर जो होता है, इट इज़ नोन एज कोलेसिस्टोकेमी। और यही एक गॉल स्टोन को, गॉल स्टोन जब होता है तो ये उसका एक ट्रीटमेंट है, उपचार है। सो एज इट इज क्लियर अप टिल नाउ दैट लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग बाइल, वेर एज गॉल ब्लैडर इज द स्टोरेज ऑर्गेन फॉर बाइल। Now this bile is released into the small intestine. As you can see, this common duct gets connected to the intestine. That is the first part of intestine which is known as duodenum. और यहीं पे ये bile जो है वो release होता है intestine के अंदर, ताकि जो fats हैं वो यहाँ पर emulsify हो सके। Now coming on to the secretion bile. ये bile जो secrete हो रहा है वो क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। It is secreted by liver. Here liver is missing. It is secreted by liver and stored in gallbladder. And every daily in man 600 ml of bile is secreted. 600 ml quantity होती है bile की, जो daily digestive जो भी प्रक्रिया चलती है उसमें daily का जब आप एक लेते हैं आंकड़ा, तो 600 ml bile जो है वो release होता है। And the color of the bile is green. And it is a viscous alkaline secretion. Viscous यानी गाढ़ा secretion होता है, alkaline secretion होता है। As you all know, alkaline means एक pH scale जो होता है, इसमें आप 0 to 7 जो होता है वो acidic range होता है, 7 to 14 जो होता है वो alkaline range होता है। But yes, it ranges from 7.8 to 8.6 pH. Therefore, it is alkaline. The secretion is alkaline. Bile is alkaline in nature. It has no digestive enzyme. As stated earlier also, इसमें कोई भी digestive enzyme नहीं होते bile में। इसका main role होता है emulsification of fats, यानी it is responsible for breakdown of fats into छोटे droplets, tiny droplets, छोटे छोटे। बड़ा fat का molecule है तो उसको छोटे छोटे droplets में वो तोड़ देता है, उस process को हम कहते हैं emulsification of fats. The action of bile on fat is non-enzymatic. कोई enzyme इसमें नहीं लगता है, directly ये fat के ऊपर act करता है और act होने के बाद जो fat है वो छोटे छोटे droplets में ये टूट जाते हैं। और ये छोटे छोटे droplets में टूटने के लिए किसी भी किस्म का इनको जो है एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि भाई बाइल को एक्टिवेट करने के लिए या बाइल को किसी और चीज़ के साथ मिलाने के बाद ही बाइल एक्शन में आएगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली बाइल का रोल होता है और वो एमल्सीफाई करता है फैट को। एंड इट इज़ नॉन एंजाइमेटिक, कोई एंजाइम नहीं होता है इसमें। एक और इम्पॉर्टेंट रोल है बाइल का, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल है, जो विटामिन्स फैट्स में घुल सकते हैं, उन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में बाइल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए ये इसका प्रेजेंस होना स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई एंड के। ओके, तो ये होता है, ये है सारा बाइल का मेन रोल। और ये आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। Now coming on to the next accessory gland, that is pancreas.
एंड हियर पैंक्रियाज इट इज अबाउट 6 inches लॉन्ग. यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस इज योर पैंक्रियाज एज यू कैन सी 6 inches लॉन्ग एंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे है पैंक्रियाज को जब आप देखेंगे कि तो ये 3 regions में डिविजिबल है, दैट इज हेड देन बॉडी एंड टेल. जो हेड है पैंक्रियाज का वो बिल्कुल राइट साइड में, इफ़ यू सी द डायफ्रम, इफ़ यू कैन सी द एब्डोमेन पार्ट, ये ह्यूमन का अगर एब्डोमेन पार्ट है तो ये पोर्शन जो होता है, दिस पोर्शन इज द राइट हाफ एंड दिस पोर्शन इज द लेफ्ट हाफ, हियर द योर हार्ट लाइज. तो जो राइट साइड राइट हाफ जो होता है उस साइड में हेड जो है इंक्लाइंड होता है और ये डायरेक्टली एब्डोमेन से ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है. और पहला सेक्शन आप देख सकते हैं ड्यूडेनम का, जो ड्यूडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेक्शन होता है. और पैंक्रियाज जो है वो ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है एक स्मॉल ट्यूब के साथ, जैसे कि आपने लीवर में देखा था एक कॉमन डक्ट से वो कनेक्ट हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे पैंक्रियाज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है बाय अ स्मॉल ट्यूब विच इज नोन एज पैंक्रियाटिक डक्ट, एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, सी दिस पोर्शन, दिस वन इज योर पैंक्रियाटिक डक्ट, ये जो बीच में जा रहा है दैट इज योर पैंक्रियाटिक डक्ट. और ये ओपन होता है ये भी इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में. नाउ द नैरो एंड ऑफ पैंक्रियाज, जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है पैंक्रियाज का, दैट इज नोन एज टेल, और ये लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होती है, बॉडी के लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होती है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज इट्स रोल. इट सर्व्स टू मेन फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन और एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट इज दिस फंक्शन एंड व्हाट इज दिस इट्स रोल. एक्सोक्राइन, एक्सो मींस एक्सटर्नल, ओके बाहर. तो एक्सोक्राइन फंक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले तो जान लो कि एक्सोक्राइन ऑर्गन क्या होते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपना सिक्रीशन जो है किसी डक्ट या किसी ट्यूब के माध्यम से किसी और जगह या किसी और साइट पर रिलीज करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा कि जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका वो क्या है, पैंक्रियाज जो है वो अपना सिक्रीशन क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस. और ये पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में तो सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन वो रिलीज कहाँ होता है, दूसरे साइट में. और वो कौन सा साइट है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल पार्ट. तो ये किससे सिक्रीट रिलीज कैसे कर रहा है, बाय द मीन्स ऑफ अ डक्ट विच इज नोन एज पैंक्रियाटिक डक्ट. तो ऑल दोस ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन टू सम अदर साइट थ्रू डक्ट आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और वो फंक्शन जो होता है वो सिक्रीशन या रिलीज या वो रोल जो होता है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन, ओके, दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन फंक्शन. वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है. जैसे आप देख सकते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो इनका सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से ही किसी दूसरे साइड पे रिलीज होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन इज एंडोक्राइन फंक्शन. नाउ व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. इनका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में रिलीज होता है और बिना किसी डक्ट के माध्यम से. तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. तो पैंक्रियाज में ये दोनों चीजें हैं, पैंक्रियाज जो है ये दोनों ऑर्गेन्स हैं, दोनों ग्लैंड्स का रोल प्ले करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. तो एक्सोक्राइन फंक्शन से पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है इनटू इंटेस्टाइन. और एंडोक्राइन रोल जब वो प्ले करता है तो वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज नोन एज इंसुलिन. तो ये जो सिक्रीशन एंडोक्राइन सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स. तो हार्मोन इंसुलिन पैंक्रियाज रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड टू रेगुलेट द ब्लड शुगर. जो ब्लड का शुगर लेवल है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है और वो रिलीज होती है थ्रू पैंक्रियाज. ठीक है,
तो पेंक्रियाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन फंक्शन में वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और एंडोक्राइन फंक्शन में वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द पेंक्रियाटिक जूस जो वो रिलीज करता है, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है जो कि सिक्रीट करता है एक्सोक्राइन पार्ट। पेंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वहां से रिलीज होता है डाइजेस्टिव जूस, वो जो है पेंक्रियाटिक जूस, और इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है वो डेली 1.2 टू 1.5 लीटर्स का जो है इसका सिक्रीशन होता है डेली, क्योंकि उसको डाइजेस्टिव एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करना होता है। एंड दिस सिक्रीशन इज अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड, इट इज अगेन अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, 7.5 टू 8 जो है इस रेंज में, पीएच रेंज में ये होता है, और ये अल्कलाइन इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। पैंक्रियाटिक जूस जो है डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में और फैट्स को डाइजेस्ट करने में इसका अहम रोल है। इससे पहले आपने देखा था डाइजेशन जो हो रहा है वो माउथ से स्टार्ट होता है, इन लास्ट लेक्चर यू कैन गो, आई हैव प्लेस्ड द लिंक हियर इन द लास्ट लेक्चर, इट हैज बीन स्टेटेड। जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, और वो डाइजेशन जो है वहाँ भी इनकम्प्लीट है। फिर स्टमक में डाइजेशन होता है, तो स्टमक में भी डाइजेशन जो हो रहा है वो केवल प्रोटीन्स का होता है, और कुछ अगेन बाइल जो करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो करता है बाइल, तो केवल एमल्सीफाई करता है फैट को। यानी अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी, जितने भी सिक्रीशंस देखे, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो, चाहे वो बाइल हो, वो कभी कोई भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर रहे हैं, या सारी चीज़ों का डाइजेस्टिव रोल नहीं है उनका, सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का रोल नहीं है लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बट यू कैन सी पैंक्रियाटिक जूस दे टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, क्योंकि उनमें वैसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई पैंक्रियाटिक जूस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इंटेस्टाइनल जूस। कमिंग ऑन टू दिस इज अगेन इट्स नॉट एन एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी सिक्रीशन, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज। इंटेस्टाइनल जूस इज नोन, इट इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन एंड इट इज नोन एज स्यूकस एंटेरिकस। इसका जो नाम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज स्यूकस एंटेरिकस, एंड इट इज अबाउट 2 to 3 लीटर्स सिक्रीटेड डेली इन मैन। 2 to 3 लीटर का डेली का इसका सिक्रीशन है, विच इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड एंड इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, बहुत हल्का सा अल्कलाइन है, यानी कि इसका पीएच रेंज जो है वो 7.6 है, यानी 7 से 7.6 के रेंज में है, तो बहुत हल्का सा अल्कलिनिटी है इसमें। एंड इट्स कंपोजिशन इज, इट कंटेन्स वाटर, म्यूकस और एंजाइम्स। फाइनल जो डाइजेशन होता है फूड का वो इंटेस्टाइनल जूस के टच से होता है, तो कंप्लीट इट दिस जूस इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। लुक, पैंक्रियाटिक जूस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, लेकिन डाइजेशन को कंप्लीट जो करता है वो फाइनल स्टेज पे लाके तोड़ने वाला जो काम करता है वो इंटेस्टाइनल जूस करता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, जो इंटेस्टाइनल जूस के जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, वो हैं आपके एरेप्सिन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरेप्सिन, यह इंटेस्टाइनल लाइपेस एज वेल एज एंटेरोकाइनेस। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स इसमें आपको मिलेंगे। एंटेरोकाइनेस जो है ये वो एंजाइम है जो एक्टिवेट करते हैं ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में ये एक्टिवेट होते हैं, देन एक्टिवेट करते हैं। एरेप्सिन जो है वो अगेन आपके ये क्या करते हैं, ये डाई और ट्राई पेप्टाइड को क्या करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन इंटेस्टाइनल लाइपेज, एज द नेम सजेस्ट, लाइपेज क्या करता है, जो एमल्सीफाइड फैट जो होते हैं जिसके ऊपर बाइल ने एक्ट किया होता है उसको अपने फाइनल स्टेट तक ब्रेक कर देता है, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल तक, ठीक है।
तो बच्चों एक ये चीज़ आप जान लो, फैट्स जो फैक्ट्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि न्यूट्रिटिव चीज़ें जो जो न्यूट्रिशन है उसका अल्टीमेट एंड कहाँ तक होगा, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट जो है, जो अल्टीमेट एंड जो है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड। तो अल्टीमेटली कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप किसी भी फॉर्म में अगर खा रहे हैं तो वो एंड प्रोडक्ट उसका क्या होना चाहिए, मोनोसैकेराइड, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में वो ब्रेक होना चाहिए, ग्लूकोज तक ब्रेक होना चाहिए। उसी तरह से प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अमाइनो एसिड्स, एंड अगेन एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट जो है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाने का काम जो करता है वो है इंटेस्टाइनल जूस। लेकिन यहाँ इंटेस्टाइनल जूस तक एक पार्शियल जो ब्रेकेज करता है वो बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी सलाइवा, ये सब का इसमें योगदान होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, दैट इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। हियर वी एंड द पार्ट व्हाट वी से एक्सेसरी ग्लैंड्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सेसरी जूसेस ऑल्सो। Now here the next part, the last concluding part is the digestive process. As you all know that digestion in human or in animals, it takes place in five steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ये पढ़ा था हमने पिछली बार, तो अब उसी पूरे प्रोसेस को हम लेके चलते हैं यहाँ पे, इंजेशन को लेके चलते हैं। सबसे पहला स्टेज है इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन इन ह्यूमन बींग्स, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ, मुंह से खाने को लेना, उसको हम कहते हैं इंजेशन। इट इज द इनपुट ऑफ फूड इन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और यहाँ पे इनपुट किससे होता है, माउथ से होता है। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज द इनपुट ऑफ फूड इन टू द माउथ, और इंजेशन ऑफ फूड इन टू द माउथ, and it the food is put into the mouth with the help of hands. So here you take the food inside the mouth and the very first step is fulfilled, that is ingestion. Second step is digestion, and it is defined as, digestion is defined as the conversion of non-diffusible food elements into diffusible constituents. ठीक है ना, जो कहीं से घुल नहीं सकता, नॉन डिफ्यूजेबल एलिमेंट्स है, बिग एलिमेंट्स है, बिग पार्टिकल, इट द ब्रेकेज और कन्वर्जन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल डिफ्यूजेबल पार्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज डाइजेशन, और इन वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन से डाइजेशन इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वंस। ठीक है, और डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे दो प्रोसीजर्स से, दो मींस से फूड ब्रेक होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल मींस से। मैकेनिकल मींस का मतलब होता है च्यूइंग, फूड को लिक्विफिकेशन करना, डाइजेस्टिव जूसेस से मिलना, स्वॉलोइंग करना, पेरिस्टाल्सिस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है। और केमिकल प्रोसेस यानी केमिकल डाइजेशन, जहाँ की एक्शन होता है, एंजाइम्स का एक्शन जो होता है उसको आप कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है, और ये जो है टीथ सबसे पहला कट करता है फूड को इनटू स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पे मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको च्यू करता है, टीथ ग्राइंड करता है, पीसता है। उसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है वो माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर की सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म है स्टार्च, तो ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको वो डाइजेस्ट करता है। स्टार्च जो है वो एक्ट करता, स्टार्च के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है, जो कि जिसको हम कहते हैं टाइलिन, और वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है, केमिकल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, फिजिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट होता है। टंग का मेन रोल क्या होता है डाइजेशन के दौरान माउथ में, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड, और जो डाइजेशन होता है फूड का वो यहाँ पे इनकम्प्लीट ही रहता है माउथ के अंदर, नेचुरल, अभी केवल स्टार्च के ऊपर एक्शन हुआ है, वो भी हाफ एक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। अब ये जो माउथ में जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है और एक गोला बनता है, उसको आप कहते हैं बोलस, उसको आप क्या कहते हैं, बोलस, और ये बोलस जो है ये ट्रांस
ट्रांसफर होता है इनटू द स्टमक थ्रू अनदर ऑर्गेन दैट यू से इसोफेगस। लेकिन यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस के माध्यम से ही होता है, और जो ये फूड पुश ऑन होता है, ये मूवमेंट जो होता है वो प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्सिस से होता है। जो बोलस जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आगे मूव करता है, तो एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से होता है जो एसोफेगस से पास ऑन होके जाता है आपके स्टमक में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्सिस। सो हियर डाइजेशन इन माउथ इज इनकम्प्लीट and this food is transferred into the stomach through esophagus and the movement is propulsive peristalsis, okay, and the movement which takes place in the gut wall, that is the stomach wall, is known as peristalsis, which is involuntary action. जो आपके accords में नहीं होता है उस action को हम कहते हैं involuntary action, और ये peristalsis जो है एक mechanical part है digestion का, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल्स रिक्वायर्ड नहीं होते, इसमें केवल मूवमेंट होता है, और ये अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वेव लाइक मोशन होता है, इसको आप पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब आते हैं बच्चों, ये जो बोलस है ये माउथ से ट्रांसफर हो जाता है प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्सिस से इनटू स्टमक, तो डाइजेशन जो है एसोफेगस, जो बोलस है एसोफेगस से जो आता है स्टमक में। तो एसोफेगस क्या है, स्लाइटली जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्वॉलो होता है टंग से, गो ये फूड पाइप में, इट गोज इनटू द एसोफेगस एंड दिस स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स फूड पाइप, और यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है, और फूड पाइप जो है इट पुशेस द फूड इनटू द स्टमक। नाउ दिस स्टमक वॉल, इट हैज थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड इन इट्स वॉल, और ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ओके। ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिसमें कि म्यूकस का भी पार्ट होता है, HCL भी होता है, और उसके अलावा एंजाइम पेप्सिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक एसिडिक मीडियम बनाता है, इसीलिए रिलीज होता है, क्यों, क्योंकि इस एसिड के प्रेजेंस में ही ये एंजाइम पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर HCL नहीं होगा तो एंजाइम पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज इट इज रिलीज इट कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टमक, तो वो डैमेज से बचने के लिए म्यूकस रिलीज होता है एंड दिस म्यूकस इज रिलीज्ड एंड टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो नाउ यू नो व्हाई द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज्ड एंड व्हाई म्यूकस इज रिलीज्ड बिफोर एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिवेटेड। Then inside the stomach partial digestion of food takes place, और यहाँ पे ये partial digestion का मतलब क्या होगा, यहाँ पे protein का digestion होता है और यहाँ पे जो main peptic और zymogen cells जो होते हैं वो digestive proenzyme release करते हैं stomach के अंदर, pepsinogen and prorenin, ठीक है ना, और ये pepsinogen जो है वो activate होता है into pepsin HCL के प्रेजेंस में, और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, ये बीच का पार्ट है, प्रोटीन्स को पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स में, ओके, प्रोटीओसेस एंड पेप्टोन्स, तो इनमें कन्वर्ट होता है। तो स्टमक में ये यहां तक प्रोटीन का डाइजेशन होता है प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स में, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होना है अमाइनो एसिड में, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बनते हैं, ये जो प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स हैं ये टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो हियर दिस पार्शियल डाइजेशन हैपेंस इन स्टमक इन द प्रेजेंस ऑफ HCL म्यूकस एज वेल एज एंजाइम पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जब ये फूड आता है, लेकिन ये स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो उसको हम कहते हैं काइम, उसको क्या कहते हैं, काइम। ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, दिस इज नोन एज काइम, और ये जो काइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सबके ऊपर एक्शन होता है। अपने माउथ में देखा स्टार्च पे एक्शन हो रहा था, बाकी फूड स्टफ्स पे नहीं हो रहा था,
स्टमक के अंदर जो है वो प्रोटीन्स पे हो रहा था, लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये सारे फूड पार्टिकल्स पे, सारे फूड पे होगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स में. स्मॉल इंटेस्टाइन एज यू नो इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम टू ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज. ये तो दो सिक्रीशन होते ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आते ही हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी इंटेस्टाइनल जूस जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन में, फाइनल डाइजेशन में, दैट इज यूकस एंटेरिकस. नाउ लीवर विच सिक्रेट्स बाइल विच इज ग्रीनिश येलो लिक्विड, इट अगेन ब्रेक्स, इट इज, इट सर्व्स टू फंक्शंस. इट मेक्स एसिडिक फ्लूइड जो पेट से, क्योंकि HCl से मिक्स होके फूड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो वो एसिडिक मीडियम में भी होता है, तो उस फूड को अल्कलाइन बनाने में ये पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करने के लिए बाइल जो है वो पहले उसको अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस जो है तभी एक्ट करेगा इस फूड के ऊपर जब तक वो अल्कलाइन मीडियम में नहीं आएगा. और ये अल्कलाइन मीडियम में लाने के लिए बाइल का मेन रोल है. बाइल सबसे पहले एसिडिक फूड जो पेट से आ रहा है, कायम जो पेट से आ रहा है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है. दूसरा रोल बाइल का होता है कि ये ब्रेक करता है, बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं फैट्स को, जो फूड के अंदर फैट्स हैं, जो मैंने बताया था एमल्सिफिकेशन, तो वो उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, जो कि उसको इजी बनाते हैं एंजाइम्स, ताकि उसके ऊपर एक्ट करके उसको फैट्स को फाइनली डाइजेस्ट कर सकें इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में जैसे ही कायम पहुंचता है वैसे ही बाइल का रोल आता है. बाइल वहां पे फैट्स को तोड़ना शुरू कर देता है, ग्लोब्यूल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बनाता है, एज वेल एज फूड को पहले अल्कलाइन में करता है ताकि पैंक्रियाटिक जूस उसके ऊपर एक्ट कर सके. देन पैंक्रियाज का रोल अब आता है. पैंक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर होते हैं एंजाइम्स जैसे एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, और लाइपेस जो कि एमल्सीफाइड फैट्स को आगे और तोड़ता है. तो पैंक्रियाटिक जूस अगेन इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि ये सारे फूड स्टफ्स पे एक्ट करता है. अब वॉल ऑफ इंटेस्टाइन रिलीजेस इंटेस्टाइनल जूस, एंड इन दिस इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम्स प्रेजेंट, दे फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. समझ में आया? अब ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनल ब्रेकडाउन करते हैं, फाइनल डाइजेशन करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर फाइनल कन्वर्जन वाले एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल जो फेट होता है ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो इस तरह से द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. आर यू ऑल नाउ क्लियर विद द प्रोसीजर? दिस वाज द पार्ट ऑफ डाइजेशन. इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ. अब थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले होता है ईलियम का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है, मेन रीजन है फॉर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब करता है जो भी डाइजेस्टिव फूड है, जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बेबल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उसको इलियम पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो एब्जॉर्ब करता है. एंड एज यू ऑल नो दैट इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कहते हैं विला. यू कैन गो ऑन टू द प्रीवियस लेक्चर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू सी अबाउट विलाई. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. वाई? बिकॉज दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन. The digestive food which is absorbed through the wall of a small intestine, ये फिर then it goes directly into the blood. तो अब food क्या हो गया? Ingest हो गया, digest हो गया, absorb हो गया, and it is sent into the blood. And blood then carries this digested and dissolved food to all parts of the body. और कहाँ पे लेके जाता है? Into the cells. Where it is assimilated as part of the cell and is utilized for obtaining energy. So what is assimilation? Assimilation is the conversion of food, digested food into energy. Or it builds up, but this energy is helpful in building up of new tissues and repair of old tissues. Okay.
लास्ट पार्ट इज इजेशन, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनअब्सॉर्ब फूड होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है. वहां भी वाटर रिटेंशन की एक्टिविटी चलती है, वाटर रिटेन होता है और एक्स्ट्रा पानी जो जरूरत है बॉडी को, बॉडी ले लेती है बाय मीन्स ऑफ लार्ज, थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन. और बाकी पोर्शन जो है इट इज रिमूव थ्रू एनस, और ये एनस जो है वो एग्जिट कराता है वेस्ट मटेरियल को बाय एनल स्फिंक्टर. सो आई होप सो स्टूडेंट्स द पोर्शन इज क्लियर, एंड हियर वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज अ न्यू लेक्चर इज अपलोडेड. थैंक यू स्टूडेंट्स.